है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्किल्स माई रिया सो गाइस इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गेट रेडी विद मी सो गाइस मैं अभी बाहर जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि गेट रेडी भी सूट कर लेती हूँ सो गाइस मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो उससे पहले मैं अपने फेस को फेस वॉश की हेल्प से ज़रूर क्लीन करती हूँ इससे जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है एंड लॉन्ग लास्टिंग रहता है सो मेक श्योर आप जब भी मेकअप करते हो जस्ट उसी से पहले आप अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लो एंड वॉश करने के बाद फेस को अच्छे से ड्राई कर लो ड्राई करके आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो आपका जो बेस मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सो मेक श्योर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ अपने फेस पे मेरा जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो है निविया सॉफ्ट एंड उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने फेस पे प्राइमर जरूर लगा रहे हो प्राइमर क्या करता है आपके फेस से जो पसीना है उसको मेकअप के साथ मिक्स नहीं होने देता एंड ऑल्सो आपके फेस में जो गड्ढे टेक्स्चर वगैरह होता है उसको ये एकदम स्मूद आउट करता है एंड इसके ऊपर जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो बहुत ही स्मूद एप्लीकेशन होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है सो so, प्राइमर लगाने के बाद मैं यहाँ पर मेवलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये जो फ़ाउंडेशन है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है बट आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है बस थोड़ा सा एक पंप आप लोगे उसको आप पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लोगे एंड देन ब्रश के हेल्प से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आप इसको ब्लेंड कर लोगे एंड आप देखोगे कि आपको एक बहुत ही इवन और बहुत ही नेचुरल सा बेस मिल गया है एंड कवरेज इसका बहुत ही अच्छा खासा है एंड अगर इसके बाद मुझे फ़ील होता है कि कहीं पे मुझे ज़्यादा फिनिशिंग की जरूरत है तो मैं अपने फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ ये फिंगर के हेल्प से भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद मैं दो मिनट वेट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर तो जब भी आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो हमेशा जो एक्सेस है उसको आप हटा लो एंड उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करो एंड कभी भी आपको रफ नहीं करना है कॉम्पैक्ट के स्पंज को अपने फेस पर हमेशा डाइविंग मोशन में अप्लाई करें इससे क्या होगा आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाएगा एंड ऑल्सो अपने जगह से मूव नहीं करेगा एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है आप जब भी मेकअप करते हो तो मेक श्योर sure कि आप मॉइस्चराइजर फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने नेक पे भी अप्लाई करती हो एंड अगर आप डीप नेक पहन रहे हो तो नेक के थोड़े से लोअर वाले एरिया पे भी अप्लाई करो ताकि सब कुछ इवन लगे एक्स्ट्रा ग्लैमर के लिए आप हाइलाइटर को भी नेक पे एंड uh, कॉलर बोन्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हो देन आई एम यूजिंग स्टेक उर्की का ब्लस एंड ये ब्लस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा नेचुरल है एंड ऑल्सो हाईली पिगमेंटेड है तो मैं ब्लश को अप्लाई कर लूँगी अपने चिक्स पे नोज़ के ऊपर एंड चिन एंड फोरहेड पर भी उसके बाद मैं क्या करूँगी सेम उसी ब्लश को मैं अपने आईलिट्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूंगी इससे बहुत ही क्यूट सा लुक आता है लास्टली मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने नोज के टिप पे एंड आइज़ के इनर कॉर्नर्स पे प्लस मैं अपने चीक बोन्स पे भी थोड़ा सा लगाऊंगी बट मैंने जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही मिनिमम उठाया है एंड यही इस मेकअप का गोल्डन रूल है कि आपको कम से कम प्रोडक्ट पिकअप करने अपने ब्रश पे एंड अप्लाई करना अपने फेस पे बट जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा है कि अगर आप इस प्रोसेस से मेकअप अच्छा करोगे तो आपका मेकअप अच्छा तो मेक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड बहुत ही नेचुरल लगेगा बातें करते करते मैंने अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लिया एंड लिप बाम के बाद मैं एक लिपस्टिक अप्लाई करी हूँ ये जो लिपस्टिक है ये ब्लू हेवन की है एंड ये कलर चेंज करता है ये ग्रीन दिखता है बट लगाने पे ये पिंक हो जाता है एंड इसे मैंने ऑफलाइन लिया था ऑनलाइन मुझे पता नहीं कि मिलता है या नहीं एंड इसके ऊपर से मैं लेयरिंग करती हूँ नायका की लिपस्टिक की ये जो नायका की लिपस्टिक है ये ट्वेंटी थ्री जानवी है इसका शेड एंड बहुत ही प्यारा और नेचुरल सा कलर आता है दोनों को मिक्स करने पर सो गर्इ देन आई एम यूजिंग लैक माई आईकॉनिक मस्करा टू कोट माई लैसेस एंड जब भी आप मस्करा यूज़ कर दो मेक श्योर कि जो एक्सेस होता है उसको आप पहले ही बॉटल में रिमूव कर दो क्योंकि अगर आप डायरेक्टली निकाल के लगाने लगोगे तो एक्सेस अमाउंट आपके लैसेस में लग जाएगा जिसके वजह से आपके लैसेस हैवी हो जाएंगे चिपक जाएंगे एंड पूरा मेकअप खराब हो जाएगा तो पहले आप एक्सेस को बॉटल में रिमूव करो एंड अच्छे से अपने लैसेस को कोट करो एंड ये जो मस्करा है ये आपको बहुत अच्छा लेंथ देता है वॉल्यूम देता है तो जिसके वजह से आपके आइज़ में बहुत इंस्टेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एंड मैंने अपर एंड लोअर बोथ आई लेसेस पे मस्करा अप्लाई किया है एंड लास्टली मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए एडियस का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया एंड सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को कोम कर लिया ताकि अगर एक्स्ट्रा कोई पाउडर वगैरह हो तो वो हट जाए एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया एंड अप्लाई करने के बाद मैंने एक कपड़े के हेल्प से स्मच कर लिया, लिया ताकि लुक so जो है वो नेचुरल टर्न आउट हो सो गाइज इसी के साथ मेरा मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो जाता है अब बारी आती है आउटफिट एंड हेयर स्टाइल की सो गाइज़ आउटफिट में मैंने सबसे पहले वार्मर पहना क्योंकि बाहर स्टिल फेवररी वाली ठंड है तो वार्मर के ऊपर मैंने डाला ब्लैक कलर का हाई वेस्टेड जीन्स एंड टॉप भी मैंने ब्लैक कलर का ही वेयर किया क्योंकि जो मेरा ब्लेजर है वो बहुत ही वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है मतलब ऑरेंज नहीं एक्जैक्टली थोड़ा सा ब्रिक्स के कलर का है तो इसलिए मैंने अंदर ब्लैक डाला ताकि जो कलर है वो थोड़ा सा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे आप बताओ आपको ये लुक कैसा लगा एंड हेयर स्टाइल मैंने कुछ भी नहीं किया सिंपल सा अपने बालों को मिड पार्टीशन कर लिया एंड अच्छे से कोम कर लिया एंड बाल बिल्कुल खुले ही थे मेरे एंड सैंडल uh, के लिए मैंने पहना ये न्यूड वेजेस एंड इसी के साथ ये लुक कंप्लीट हो जाता है सो आई होप गाइज आपको ये गेट रेडी वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें आपको मेकअप ब्यूटी फैशन फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलती हो बहुत ही जल्दी आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय